तो दोस्तों आज भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जिससे पश्चिमी देशों समेत अमेरिका को एक तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारत ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि हम आपके ग्रुप के अंदर शामिल नहीं होने वाले। दरअसल आप सभी को पता है कि इसी महीने के अंत में अमेरिका के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा होने जा रही है, और इससे पहले अमेरिका से भारत से कहा गया कि आप हमारे नाटो प्लस को ज्वाइन कर लो, जिसमें अभी फिलहाल में 5 मेंबर हैं, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। और अमेरिका का कहना था कि नाटो प्लस ज्वाइन करने से भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों की अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता। परंतु आज जब हमारे विदेश मंत्री अजय शंकर साहब जी से नाटो प्लस के ऊपर सवाल पूछा गया तो अजय शंकर साहब जी ने पश्चिमी देशों को एक बात साफ कह दी कि भारत नाटो प्लस के अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि एक सैन्य संगठन को बनाने की जो नीति है वो अमेरिका की अब काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और भारत किसी भी सैन्य संगठन के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। हालांकि भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और साझेदारी के ऊपर भरोसा करता है, तो नाटो के देश यदि भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करना चाहते हैं तो भारत बिल्कुल तैयार है। पर नाटो जैसे एक सैन्य संगठन के ग्रुप नाटो प्लस के अंदर भारत कभी भी शामिल नहीं होगा। अब इसके पीछे कुछ लोगों को यह लग रहा है कि नाटो प्लस को लेकर चाइना की तरफ से भारत को धमकी दी गई थी कि यदि नाटो प्लस भारत ज्वाइन करता है तो इससे भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़ेंगे और भारत का यह कदम मूर्खतापूर्ण होगा, तो कहीं भारत ने चीन के दबाव में आकर तो नाटो प्लस को ज्वाइन करने से इनकार नहीं किया। तो इसके बारे में भी जयशंकर साहब जी ने सीधा जवाब दिया है कि अमेरिका वाले सोचते हैं कि चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत को नाटो प्लस ज्वाइन करने की आवश्यकता है, तो मैं अमेरिका और पश्चिमी देशों का वहम दूर कर दूं, क्योंकि आज भारत इतना सक्षम है कि हम अकेले ही चीन से निपट सकते हैं। यानी भारत का मानना है कि स्पेशली तौर पर चीन को काउंटर करने के लिए भारत को नाटो प्लस में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पर आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय है और भारत ने नाटो प्लस को ज्वाइन ना करके क्या सही फैसला लिया या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।